हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अचुर चौहान। आज का हमारा टॉपिक है पीएन जंक्शन। ओके, देखिए स्टूडेंट, पीएन जंक्शन क्या करता है? पीएन जंक्शन इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैनी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लाइक डायोड्स, ट्रांजिस्टर एट्सेट्रा। तो अगर हमें डायोड बनाना है, ट्रांजिस्टर बनाना है, तो क्या होगा, हमें पहले पीएन जंक्शन हमें क्रिएट करना होगा, एंड देन हम डायोड्स बना सकते हैं, ट्रांजिस्टर बना सकते हैं, और भी जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं हम इसकी हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी स्टडी आज करते हैं कि कैसे ये काम करता है, कैसे हम इसे बना सकते हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे डिफ्यूजन करंट है, ड्रिफ्ट करंट है, डिप्लीशन लेयर है, पोटेंशियल बैरियर है। ये सभी जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो इसमें यूज़ होंगे, और आगे भी जो आप डिवाइसेस पढ़ने वाले हो उसमें भी ये सब चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पीएन जंक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है। तो नाम से पता चल रहा है पीएन जंक्शन। ओके, पी एन जंक्शन मतलब यहाँ पे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर जहाँ पर मिलते हो तो वही कहलाता है जंक्शन। ओके, अब यहाँ पे क्या करा जाता है कि बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम एक सिलिकॉन एक वेफर ले लेते हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं, एक साइड से हम पी टाइप की डोपिंग करते हैं और एक साइड से हम एन टाइप की डोपिंग करते हैं। ओके, तो एक साइड से क्या, इस सिलिकॉन में हमने क्या करा, पी टाइप की डोपिंग कर रहे हैं एक साइड से, और एक साइड से एन टाइप की। तो क्या करेगा कि इस तरीके से एक एंड हो जाएगा उसका पी टाइप और एक एंड हो जाएगा उसका एन टाइप, और बीच में जो एक लेयर बन जाएगी वो हो जाएगी एक जंक्शन। ठीक है, तो पी और एन दोनों के बीच में जो एक जंक्शन क्रिएट हो जाएगा उसको कहते हैं पीएन जंक्शन। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक जंक्शन क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही ये जंक्शन क्रिएट होता है तो एक और प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, उसे कहते हैं यहाँ पे डिफ्यूजन। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले देखिए, जैसे ही यहाँ पे इधर पी साइड और इधर एन साइड क्रिएट हो गया, हमें क्या पता है कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें क्या चीज ज्यादा होती है, नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ होल्स इज फार ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एन साइड में क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फार फार ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। तो यहां पर होल्स बहुत ज्यादा है और यहां पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसा नहीं कि यहां पे पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और एन टाइप में होल्स भी हैं, बट उनकी जो नंबर है या उनका कंटेंट है वो काफी कम है। ओके, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, यहां से क्या हो रहा है, पी टाइप से क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा है और इधर होल्स बहुत ज्यादा है और इधर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, तो अब यहाँ पे क्या प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, स्टार्टिंग में डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन आपने गैसेस से रिलेटेड समझा होगा कि जैसे क्या होता है, किसी अब कहीं पे अगर गैस का हायर कंसंट्रेशन है, मतलब मान लीजिए कोई गैस है, मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है, तो एक कमरे में बहुत ज्यादा गैस भरी हुई है, अचानक से हम छेद करते हैं, आप गुब्बारा ले लीजिए, तो क्या होगा, जैसे आप उसमें छेद करेंगे तो क्या होगा, वो हाई कंसंट्रेशन कहाँ था, गुब्बारे के अंदर, लो कंसंट्रेशन क्या होगा, बाहर के एटमोसफेयर में, तो हवा मतलब ये उसमें जो एयर होती है या जो गैस थी वो किधर निकलेगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो कभी भी कोई भी फ्लूड हो गया या कोई गैस हो गई, वो कैसे फ्लो करती है, हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, उसी प्रोसेस कहते हैं डिफ्यूजन। अब यहाँ पे क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन में इधर साइड में क्या, पी साइड में होल्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, होल्स डिफ्यूज होना स्टार्ट होंगे। होल्स को मैं ऐसे डॉट ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये होल्स हो गए, होल्स इधर फ्लो करना स्टार्ट हो गए। इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होना स्टार्ट हो गए, तो यहाँ से होल्स जा रहे थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होना स्टार्ट हो गए। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, समझ में आ गई बात, क्योंकि यहाँ ये होल्स बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो और ये हाई कंसंट्रेशन से लो, इस तरीके से यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है होल्स को सर्किल से, तो इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और होल्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, ये जो जंक्शन है, जंक्शन के अक्रॉस मतलब जंक्शन के इधर उधर देख सकते हो आप, जंक्शन के अक्रॉस थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट अगर आप चले आते हैं जंक्शन के, तो क्या हो रहा होगा, देखिए नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ट्रांसफर हो रहे होंगे, पहले इधर से हो रहे होंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन, इधर से होल्स,
अब जो जंक्शन के अक्रॉस, इस लेयर के अक्रॉस क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जा रही होगी, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जा रही होगी, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से यहाँ पे क्या चार्ज इंड्यूस हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होने लगता है, और यहाँ से क्या चले जा रहे हैं, क्या चीज़ जा रही है, होल्स से जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या चीज़ कमी हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज, होल्स पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे आने लगते हैं आपके नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव इमोबाइल चार्ज आयंस प्रोड्यूस हो जाता है, नेगेटिव इमोबाइल चार्ज आयंस यहां पर प्रोड्यूस होने लगता है। तो मैंने यहां पे आपको दिखा दिया, इसी चीज को मैंने यहां पे दिखाया है, ठीक है। जब डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, इधर से होल्स ट्रांसफर हो रहे हैं, उसकी वजह से पी टाइप जो रीजन है उसके जब इस जंक्शन के आप अगर लेफ्ट साइड जाते हैं तो यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने लगता है, नेगेटिव आयन, ठीक है, इमोबाइल आयन है, यहाँ पे मोबाइल आयन नहीं है ये, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव आयन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एन साइड के अक्रॉस क्या हो रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, यहाँ से होल चला गया मतलब पॉजिटिव चार्ज चला गया तो नेगेटिव आयन, इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज स्पेस आ जाता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज स्पेस आ जाता है। इज इट क्लियर? दूसरी बात बच्चों, जब ये डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा था, ओके, होल्स इधर ट्रांसफर हो रहे थे एन साइड में और इलेक्ट्रॉन्स किधर ट्रांसफर हो रहे थे, पी साइड में, उसकी वजह से देखिए चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, जब चार्ज का ट्रांसफर, चार्ज का मूवमेंट हो रहा है तो एक करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा, कौन सा करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा, उसे कहते हैं डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट, ओके। तो यहां पर क्या हो रहा है, डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन ए करंट इज फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट, ओके, क्योंकि डिफ्यूजन के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है इसीलिए इसका नाम दिया गया है बच्चों डिफ्यूजन करंट, ओके, ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से हो रहा था, ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पे जब ये प्रोसेस ऐसा हो रहा था उसी समय एक चीज और देखने में आई, उसी समय एक चीज और देखनी है, अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है यहां पर जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो इकट्ठा हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है। अब यहां पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज यहां पर, पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से क्या हो गया, यहां पर देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, इसकी वजह से क्या होगा, यहां कह सकते हो आप पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो आप देख रहे हो वी नॉट, ठीक है, इसे कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, तो यहां पर इसकी वजह से क्या हो गया, एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होने लगा, और इस पोटेंशियल बैरियर की वजह से यहाँ पर देख सकते हैं इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, उसका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, उसका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब ये क्या करेगी, अब देखिए ये क्या करेगी, जो पहले मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स आपके इधर से इधर जा रहा था और इलेक्ट्रॉन्स आपका इधर से इधर जा रहा था, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ये इसको रोक देगा, ये ऐसे कम करना स्टार्ट कर देगा, क्यों, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाती है, ओके। अब इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा था, इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन फोर्स कैसे लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब दूसरी चीज भी देखिए यहां पर, दूसरी चीज यहां पर यह है कि जो होल्स है, होल्स क्या हुआ, होल्स इधर मूव करना चाह रहे हैं, पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इसके अपोजिट, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में होल्स का मूवमेंट होता है, तो इस तरीके से जो मेजॉरिटी कैरियर्स थे जो मूवमेंट जा रहा था उनको ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, अपोज कर रही है, ओके, उसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, अपोज कर रही है, कई बार हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और अगर ये हम पोटेंशियल के टर्म में बात करते हैं तो इसे कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, या कई बार इसे बिल्ट इन पोटेंशियल भी कहते हैं, ओके, पोटेंशियल बैरियर मतलब बैरियर मतलब जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो कर रहे थे उसको क्या कर रही है, बैरियर लगा रही है, ओके, रोक रही है, ठीक, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, जो मेजॉरिटी चार्ज कर रही है इधर से, होल्स इधर से इधर जा रहा था, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा था, उसको रोकने लगा, क्लियर हो गया बात। साथ ही साथ एक काम और किया उसने, साथ ही साथ एक काम और बच्चों करने लगा वो, अब क्या करने लगा वो, साथ ही साथ देखिए यहां पर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये था पॉजिटिव से नेगेटिव, ये क्या करेगी, जो माइनॉरिटी कैरियर्स है, माइनॉरिटी कैरियर्स कौन है, एन साइड में होल्स हैं और पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी साइड में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब यहां पे क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये माइनॉरिटी कैरियर्स पे फोर्स लगने लगेगा,
अक्रॉस द जंक्शन, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो होल्स हैं वो इधर जाने लगेंगे, इसकी वजह से ये होल्स जो हैं बच्चों वो पी साइड में जाने लगे। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फो होल्स के ऊपर भी फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता है। तो क्या हो रहा होगा, होल्स क्या करेंगे, एन साइड से पी साइड जाने लगेंगे। अब माइनॉरिटी कैरियर्स, होल्स क्या हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स, तो माइनॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन यहाँ पर जाने लगे। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स क्या लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये तो होल्स के ऊपर लग रहा था, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स क्या लग रहा होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां से इलेक्ट्रॉन पी साइड से इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने लगेंगे। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, अब ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसे कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ, द करंट विच प्रोड्यूस अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट का मतलब होता है खिसक खिसक के जाना। ओके, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो करंट प्रोड्यूस अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। अब देखिए यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट है। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे देखिएगा, स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, आपका डिफ्यूजन करंट ज्यादा था स्टार्टिंग में, क्योंकि ये जो लेयर जो ये आपका पोटेंशियल बैरियर था इतना था ही नहीं स्टार्टिंग में। जब ये ट्रांसफर होना शुरू स्टार्ट हुआ, डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ, तो आपका क्या था, डिफ्यूजन करंट ज़्यादा था। पर जैसे जैसे ट्रांसफर हो रहा था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, तो वो क्या कर रही थी, इस ट्रांसफर को रोक रही थी, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से या डिफ्यूजन करंट की वजह से था, ये डिफ्यूजन की वजह से था। अब क्या हो रहा है, तो जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है, अब क्या हो रहा है कि डिफ्यूजन जो, देखिए पहले डिफ्यूजन करंट ज़्यादा था, ड्रिफ्ट करंट बहुत ही कम था। अब जैसे जैसे क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है या ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आपका ड्रिफ्ट करंट है, आई ड्रिफ्ट, और ये भी क्या होने लगा, बढ़ने लगा, और जो आई डिफ्यूजन था ये घटने लगा। तो एक समय ऐसा आता है, ठीक है, एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ घट रही है, एक समय ऐसा आता है अंडर इक्विलिब्रियम दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अंडर इक्विलिब्रियम क्या होता है, दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और नेट करंट क्या होता है इसके अंदर, जीरो। ओके, तो यही जो कंडीशन आती है यहाँ पे अंडर इक्विलिब्रियम, हम नॉर्मली पीएन जंक्शन को क्रिएट करते हैं। ओके, अभी हमने कोई बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज इसमें नहीं लगाई है। ओके, तो ये कहलाएगा, ठीक है, पीएन जंक्शन अंडर इक्विलिब्रियम, पीएन जंक्शन अंडर इक्विलिब्रियम। देखिए बच्चों, बुक्स में आपका बना होगा पोटेंशियल जो बैरियर है, ये जो पोटेंशियल बैरियर वी नॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से बुक में दिया होता है। ये हो जाता है हाई पोटेंशियल, ये हो गए लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल का मतलब पॉजिटिव चार्ज, लो पोटेंशियल का मतलब नेगेटिव चार्ज। तो जितनी ज़्यादा ये हाइट होगी, उतना ज़्यादा आपका पोटेंशियल बैरियर होगा, मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल बैरियर होगा वो उतना ज़्यादा क्या करेगा, मतलब मेजॉरिटी कैरियर्स को अक्रॉस द जंक्शन जाने से रोकेगा। ये बात याद रखिएगा, जो पोटेंशियल बैरियर है वो क्या काम करता है, जो करंट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर्स, मेजॉरिटी कैरियर्स का मतलब मेजॉरिटी कैरियर कौन है, होल्स का एन साइड में जाना और इलेक्ट्रॉन्स का एन साइड से पी साइड में जाना, ये कहलाता है ट्रांसफर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, इसको वो रोकता है। देखिए मेजॉरिटी कैरियर्स की ही वजह से मेनली किसी भी पीएन जंक्शन में या पीएन जंक्शन डायोड में मेन करंट फ्लो करता है, वही मेनली मैक्सिमम करंट होता है। ठीक है, जो माइनॉरिटी कैरियर्स होता है उसकी वजह से जो करंट होता है वो बहुत ही कम होता है। ओके, तो ये क्या करता है, मेजॉरिटी कैरियर की जो करंट है उसको वहाँ पे रोकता है। ओके, जितना ज़्यादा पोटेंशियल बैरियर होगा, पोटेंशियल हाइट होगी, उतना ज़्यादा वो उसको रोकेगा। ओके स्टूडेंट्स, मैंने कुछ यहाँ पे की पॉइंट्स लिख दिए हैं। ठीक है, पहला क्या है, द स्पेस चार्ज रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन टुगेदर इज नोन एज डिप्लीशन रीजन। ओके, यहाँ पे क्या था, जो स्पेस चार्ज रीजन था ये आप देख रहे थे, यहाँ पर ये पी और एन, यहाँ पर क्या था आपका नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या था आपका पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये जो रीजन कहलाता था आपका डिप्लीशन रीजन। ओके, द स्पेस चार्ज रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन, जंक्शन बीच में था यहाँ पे,
ये जंक्शन था, इसके आइदर साइड पे जो स्पेस चार्ज रीजन है वो कहलाता है आपका डिप्लीशन रीजन। ये बात याद रखिएगा, डिप्लीशन रीजन के अंदर कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं होते, कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं होते, ओके। यहाँ पे कोई फ्री चार्ज कैरियर्स आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, करंट प्रोड्यूस ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट की मैंने बात बता दी थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, करंट प्रोड्यूस ड्यू टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से, जो मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब होल्स किधर जा रहे हैं एन साइड में और इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं पी साइड में, इसके मूवमेंट की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट, ओके। यहाँ पे अगर डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन देखोगे तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट कितना होगा, इधर होगा आई ई। होल्स इधर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन भी किधर होगा, इधर ही होगा, तो आई ई और आई एच दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे होगा, या कह सकते हो आप डिफ्यूजन का करंट हो रहा होगा उसका डायरेक्शन यहाँ पे ही होगा कुछ, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं, करंट प्रोड्यूस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन और ऑन द माइनॉरिटी कैरियर्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो करंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस पे लग रही थी, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, माइनॉरिटी कैरियर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही थी और वो मूव कर रहे थे जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा था, उसे कहते हैं हम यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट। देखिए यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, ये पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, इधर, इसकी वजह से क्या हुआ, इसका डायरेक्शन इधर हुआ, तो यहाँ से क्या हुआ, जो माइनॉरिटी कैरियर्स थे एन साइड में, जो माइनॉरिटी कैरियर्स थे, माइनॉरिटी कैरियर्स कौन थे, होल, होल का डायरेक्शन क्या हो गया, इधर आई एच, ओके। सिमिलर वे में इलेक्ट्रॉन इधर क्या था, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट फोर्स होगी तो इसकी वजह से मूवमेंट किधर हो जाएगा, वो करंट का इधर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सीधा, अगर मैं लिखूँ कि जो आई डिफ्यूजन था, आई ड्रिफ्ट, ओके, ये देखिए डिफ्यूजन है, ये डायरेक्शन डिफ्यूजन का है और ये डायरेक्शन ड्रिफ्ट का है, आई ड्रिफ्ट, ओके, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, ड्रिफ्ट करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूजन करंट, ओके। एंड अंडर इक्विलिब्रियम देयर इज नो नेट करंट, मतलब अंडर इक्विलिब्रियम मतलब एक समय ऐसा आता है कि दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं और नेट करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ओके। तो मुझे लगता है बच्चों यहाँ पर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम आगे पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कहीं कोई डाउट है तो बिल्कुल बिंदास होके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।